13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर। कश्मीर की तारीख में 13 जुलाई 1931 का दिन बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। यही वो दिन था जब शहीदों के खून से तहरीक हुर्रियत कश्मीर का बाकायदा आगाज हुआ था। 21 जून 1931 को सैयद अली हमदानी की दरगाह में फर्जंदाने कश्मीर का एक ऐसा जलसा मुनक़िदा हुआ जिसमें उन्होंने एक हिंदू कांस्टेबल के हाथों तोहीन कुरान पर एहतजाज किया था। ये जलसा इख्तिताम पज़ीर होने ही वाला था कि अचानक मजमा से अजनबी नौजवान अब्दुल कदीर खां खड़ा हुआ और उसने अवाम को मुखातब करते हुए इन्हें जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होने की दावत दी। इस वाक़े के बाद रियासत की हुकूमत ने अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया और इस पर अवाम को बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मुकदमा चूंकि अपनी नौयत का पहला मुकदमा था इसलिए आम लोगों को मुलजम से हमदर्दी और इस मुकदमे से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। 13 जुलाई 1931 को सेंट्रल जेल कश्मीर में अब्दुल कदीर खान पर कायम करदा मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। इस मौका पर मुलजम से अखुवत और यकजहती के मुजाहरे के लिए हज़ारों अफराद जेल के अहाते के बाहर जमा हो गए। अभी समाअत जारी थी कि नमाज ज़ोहर का वक़्त हो गया। इस मौका पर अवाम ने जेल के नज़दीक नमाज के अहतमाम के लिए अजान देनी चाही तो उनके लिए इस इरादे की राह में रास्ती पुलिस हायल होगी। चुनाचा जो ही एक नौजवान ने अजान देना शुरू की तो पुलिस ने उस नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसके शहीद होते ही एक और नौजवान उठा और इसने अपनी पेशरू की जगह अजान देनी शुरू कर दी। पुलिस ने इस नौजवान को भी शहीद कर दिया। यह सिलसिला यूं ही जारी रहा और आज़ादी की तकमील तक 22 फर्जंदाने इस्लाम शहीद कर दिए गए। इस ईमान अफरोज़ वाक़े ने पूरी रियासत कश्मीर में आग लगा दी और कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी का बाकायदा आगाज़ हो गया। अहले कश्मीर हर साल 13 जुलाई को इस वाक़े की याद ताज़ा करते हैं और इसे यौम शहदा के तौर पर मनाते हैं। अल्लाह ताला मुहब्बे वतन शहदा की कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फरमाए और इन काफरों और मुनाफिकों से हमें आज़ादी नसीब फरमाए। आमीन।